हमारे साथ हमारे संवाददाता अभी जुड़ रहे हैं मुंबई से, सचिन भिसे। सचिन, मुंबई की अगर मैं बात करता हूं तो मुंबई में तो माया नगरी है, क्या सितारे जमीन पर उतर रहे हैं? अगर उतरे हैं तो कितने सितारे जमीन पर उतरे, और राजनीति के जो सितारे हैं। तो सचिन हमारे साथ हैं, सचिन चौधरी माफ कीजिएगा। तो सचिन, जो तारे जो सितारे हैं कितने जमीन पर उतरे, और साथ ही जो राजनीति के वो कौन से सितारे हैं जिनकी चमक आपको लगता है कि इस बार वोटिंग में नजर आई है? जी बिल्कुल अमित, मुंबई में सितारे जो है ज़मीन पर तो उतरे हैं, लेकिन मुंबई का अगर हम बात करें तो मुंबई में एवरेज जो है करीबन 40% वोटिंग हुई अभी तक। उतनी बड़ी तादाद में आम तौर पर जो आम लोग निकलना चाहिए उतनी बड़ी तादाद में नहीं निकले, लेकिन सितारों की बात करें तो आमिर खान उनका परिवार निकल चुका है, दीपिका पादुकोण वोटिंग करने उनकी वोटिंग हो चुकी है, रणवीर सिंह इनकी वोटिंग हो चुकी है, कई सारे परेश रावल इनकी वोटिंग हो चुकी है, जावेद अख्तर जो उनकी वोटिंग हो चुकी है, तो कई ऐसे नामी नाम है फिल्मी जगत के, उन्होंने अपनी वोटिंग कर ली है। लेकिन सलमान शाहरुख जैसे बड़े जो नेता है, अभिनेता है, वो भी शाम तक अपनी वोटिंग करने जाएंगे। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर ये दक्षिण मुंबई का चुनाव क्षेत्र है, और यहाँ पर मुकेश अंबानी उनका परिवार जो है थोड़े समय में पहुंचेगा, यहाँ पर उनका बंदोबस्त लग चुका है। इंडस्ट्री जो है, चाहे फिर बिरला हो, टाटा हो, तमाम जो उद्योगपति है वो भी वोट करने निकले हैं, लेकिन आम जो जनता है वो बड़ी तादाद में निकलनी चाहिए थी, उतनी तादाद अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि आप 3 बजे तक की वोटिंग जो है पूरे महाराष्ट्र में वो करीबन 38.77% वोटिंग हो चुकी है, लेकिन अनुमान है कि अगले 3 घंटे में ये परसेंटेज बढ़ेगा और करीबन 60% से ज़्यादा जो है औसतन ये वोटिंग देखने मिलेगी। अगर हम बात करें मुंबई के 6 सीटों की, तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इनकी किस्मत जो है दांव पर लगी है, लेकिन उनके लिए ज़्यादा चुनौती नहीं है क्योंकि वहाँ पर आखिरी वक्त तक जो है कांग्रेस को यानी कि महाविकास आघाड़ी को उम्मीदवार तक नहीं मिला था, तो उनकी राह करीबन आसान आसान मानी जा रही है। वही अगर उज्ज्वल निकम की बात की जाए तो उनका मुकाबला वर्षा गायकवाड़ से, और मुंबई में M2 फैक्टर यानी कि मुस्लिम और मराठा ये जो है अगर उद्धव ठाकरे के साथ जाते हैं, MVA के साथ जाते हैं, तो NDA के लिए चुनौती हो सकती है, लेकिन NDA के पास जो है राज ठाकरे का उनका तोड़ है क्योंकि मराठी वोट बैंक में सेन लगाने के लिए राज ठाकरे जो इस बार NDA के साथ में है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और राज्य सरकार के देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे सरकार के काम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विकास काम किए हैं मुंबई में, चाहे उसमें फिर मेट्रो का जाल हो, कोस्टल रोड हो, या फिर 22 किलोमीटर लंबा जो सबसे देश का सबसे बड़ा लंबा जो साकरी सेतु है, अटल सी लिंक, उसकी बात हो, तो तमाम जो डेवलपमेंट के काम है उस पर वोट मांग रहे हैं। अरविंद सावंत दक्षिण मुंबई से उम्मीदवार है, उनके सामने यामिनी जाधव है, तो वही राहुल शेवाले और उसके अलावा जो है उनके सामने अनिल देसाई, यानी कि 2 शिवसैनिकों में दोनों जगह पर टक्कर देखने मिल रही है। तो बाकी जगह पर जो है मिहिर कोटेचा और शिवसेना के संजय दीना पाटिल है, तो कड़ा कुछ सीटों पर जो है कड़ी मुकाबले जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं BJP को थोड़ा बहुत ये मिलता नजर जरूर आ रहा है अमित, लेकिन सितारे जो है लगातार वोट करने आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज भी आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, राजनेता आ रहे हैं, अभिनेता भी आ रहे हैं, और आम जनता जो है उसकी तपता जो है बढ़नी कितनी बढ़ती है ये देखना होगा। जी अमित। अच्छा सचिन, एक चीज और ये जानना चाहूंगा कि जो क्योंकि महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच ये मुकाबला चल रहा है बेसिकली, लेकिन जो मुंबई की सीटें थी, हमने देखा कि उस मुंबई की सीटों में काफी कुछ अंतर खात चला, अंदर ही अंदर एक दूसरे के खिलाफ आपस में पार्टियां भिड़ गई या महायुति के लोग ही भिड़ गए, उसका असर इन चुनावों में क्या पड़ा इन 6 सीटों पर? जी देखिए, अगर मैं बात करूँ दक्षिण मुंबई की जो सीट है, यहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका आता है, दक्षिण मुंबई में भिंडी बाजार, भाईकला, ये जो है नागपाड़ा जैसा जो इलाका है काफ़ी मुस्लिम बहुल इलाका है, और 4.5 लाख मुस्लिम वोट यहाँ पर है, लेकिन जिस तरह से वोटिंग यहाँ पर सबसे कम परसेंटेज मुंबई के 6 सीटों पर कही है, तो वो है दक्षिण मुंबई की सीट, यहाँ पर 36% वोटिंग हुई है, और इसमें कम वोटिंग का प्रमाण यह माना जा रहा है कि मुस्लिम वोटर जो है बड़ी तादाद में नहीं निकली है, बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अपना वोट बैंक निकाल लिया है, लेकिन जो कांग्रेस का वोट बैंक था परंपरा का जो मुस्लिम वोट बैंक जिसे माना जाता है, वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं बाहर निकलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। वही बात बिल्कुल, अगर हम उत्तर मध्य मुंबई की बात करें, वोटिंग हो चुकी है और मुझे लगता है थोड़ी देर में वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद तो इंतजार करना होगा 4 जून का, जिसके बाद पिटारा खुलेगा और पता लगेगा कि आखिरकार माया नगरी का नया सितारा कौन होगा, उन 6 सीटों के नए सितारे कौन होते हैं।